खबर लखनऊ से है, जहां पर एक निजी स्कूल में 9वीं क्लास के छात्र को हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि केमिस्ट्री के पीरियड में अचानक छात्र बेहोश हो गया और छात्र को स्कूल के टीचर और नर्स ने अपनी कार से तुरंत ही पास के मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के CPR देने के बावजूद भी जब बच्चा होश में नहीं आया तो डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे को हार्ट अटैक हुआ है और उसे तुरंत ही लारी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल ले जाया जाए। मेडिकल सेंटर में एम्बुलेंस नहीं होने के चलते टीचर और नर्स बच्चे को मेडिकल सेंटर से लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अपनी कार से ही लॉरी ले गए। लॉरी कार्डियोलॉजी के इमरजेंसी में पहुँचने पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। इस घटना से पूरा स्कूल सदमे में है। 20/9/2023 को थाना क्षेत्र अलीगंज में स्थित CMS सेक्टर ओ का छात्र आतिक सिद्दीकी पुत्र अनवर का देहांत हुआ है। 12:15 के आसपास जब क्लास में बैठ रहा था उनको सांस लेने में दिक्कत हुआ, कुछ ही समय बाद वो बेहोश भी हो गया था। स्कूल अथॉरिटीज द्वारा उनको तुरंत ही लारी हॉस्पिटल लेके गया था, फिर वहां पर उनको मृत घोषित किया गया है। मृत्यु क्लास में अपना पीरियड लेने गया हुआ था, केमिस्ट्री पीरियड, और बच्चों के डाउट्स क्लियर करने गया था और ये अपना सेल्फ स्टडी कर रहा था। फिर हमने बच्चों के जिनके डाउट्स थे उनके क्लियर कर रहे थे, एकदम से ऑल ऑफ सडन देखा ये ज़मीन पे गिर गया और मैं फौरन दौड़ा, बच्चे सब गए कि देखिए आतिफ को क्या हो गया सर, और जब तक कि फिर मैंने अपने हाथों में उठाया उसको टेबल पे रखा और ट्राई किया उसको पंप करने का काफ़ी, और एक बार उसे सांस खींची, उसके बाद तो उसने हाथ पैर एकदम डाल दिए और फिर हमने अपनी नर्स को बुलाया डिस्पेंसरी से, उन्होंने बोला कि जल्दी से हॉस्पिटल। मेरा नाम मोहम्मद अनवर सिद्दीकी है, मैं बच्चे का फादर हूँ और वो क्लास 9 में पढ़ रहा था CMS में, और आज सुबह स्कूल गया, वो रोज की तरह जाता था, आज भी गया, तो करीब 12:15 के आसपास स्कूल से कॉल आ रही है कि बच्चा आपका क्लास में गिर गया है और हम लोग स्कूल टीम लेके जा रहे हैं वहाँ उसको कारुशी हॉस्पिटल अलीगंज में, तो वहाँ पहुँचिए। एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई, हमारे विद्यालय के कक्षा 9 का एक छात्र जिसका नाम आतिफ सिद्दीकी है आज केमिस्ट्री के पीरियड में अचानक बेहोश हो गया। इस छात्र के स्कूल के टीचर्स एवं नर्स द्वारा अपनी कार से तुरंत आरुषि मेडिकल सेंटर उनको भेजा गया। तब तक बच्चे के पिता को भी फोन